if we have two or more than two rational numbers with same denominator. And this property is very easy because इसका जो LCM है वो काफी simple है. Then, ठीक है? So, first rational number is p upon q, and second rational number is, for example, r upon q. Then what I'll do? P upon q plus r upon q. Fine. इसका LCM जो है वो same denominator जो था वही आएगा, and answer will be P plus R upon Q. Means we need to plus only numerator. But in which case? If the denominator are same of all rational numbers. Jitne bhi diye, agar unke denominator same hai, then only we have to plus numerator. Right? Same property, ye add tha. And for example, subtract hai. P upon Q and R upon Q ko hume subtract karna hai. Then what we'll do? LCM सेम रहेगा, इनमें LCM बहुत इजी होता है, सो आंसर विल बी P माइनस R अपॉन Q. व्हाट इट शोज मींस वी नीड टू सब्ट्रैक्ट ओनली न्यूमरेटर. फाइन, सो दिस इज द प्रॉपर्टी. नाउ आई एम टेकिंग सम क्वेश्चन. फर्स्ट इज एड 3 बाय 5 एंड 13 बाय 5. राइट, 3 बाय 5 एड कहा है इसलिए हम प्लस करेंगे 13/5. दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट हमें अब इंटीजर्स पे जाना है इसलिए हमें लेना बहुत जरूरी है. न्यूमरेटर प्लस हो जाएंगे, सो आंसर विल बी 16/5. नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल ऑफ एडिशन. एड 7/9 एंड -12/9. ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था क्योंकि दोनों प्लस के रैशनल नंबर्स थे. अब अगेन हमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन याद रखना पड़ेगी. रैशनल नंबर्स आर दोस नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड इम्पॉर्टेंट वॉज p एंड q आर इंटीजर्स. तो हमें हमेशा प्लस मिलेंगे जरूरी नहीं है, अब हमें नेगेटिव नंबर्स भी मिलेंगे. तो देखिए इस क्वेश्चन में नेगेटिव आ गया. राइट, अब इसे सॉल्व करने से पहले मैं छोटा सा रिकैप लूंगी कि इंटीजर्स के कुछ रूल्स होते हैं. इफ वी हैव प्लस एंड प्लस, दो नंबर्स प्लस के हैं, सो आंसर विल बी इन प्लस. इफ वी आर हैविंग अ नंबर प्लस एंड माइनस, देन आंसर विल बी सब्ट्रैक्ट करेंगे हम. ठीक है, आंसर नहीं, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऑपरेशन क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. माइनस प्लस इज ऑलवेज माइनस, एंड माइनस माइनस इज ऑलवेज प्लस. ये तो हमारा रूल था, इस पे बेस्ड हम छोटे छोटे दो तीन क्वेश्चन लेंगे. लाइक वी आर हैविंग प्लस 2 प्लस 3, सो आंसर विल बी 5. मीन्स प्लस प्लस, तो ऑपरेशन क्या होगा? एडिशन, प्लस होगा, इसलिए हमने इन दोनों नंबर्स को क्या किया? प्लस कर दिया. नाउ सेम 2 एंड माइनस 3 है, देन हम इस रूल पे जाएंगे. प्लस माइनस इज माइनस, मीन्स इस क्वेश्चन में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 2 और 3 का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा? 1 आएगा. बट साइन हम कौन सा लगाएंगे? यस, ग्रेटर नंबर का साइन लगाएंगे. ग्रेटर नंबर इज 3, सो साइन विल बी माइनस. सो 2 माइनस 3 इज -1. राइट, सेकेंड थर्ड लॉ, सॉरी 3 माइनस 2. पहला नंबर हमने, सॉरी आई हैव टेकन अनदर केस, माइनस प्लस. ओके, 3 माइनस 2, सो व्हाट विल डू? प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस, मीन्स हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है. 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. नाउ विल डिसाइड द साइन. साइन कैसे डिसाइड होता है? ग्रेटर नंबर का हम साइन देखेंगे. ग्रेटर नंबर यहां पर क्या है? 3, और उसका कोई साइन नहीं है, मींस उसका साइन क्या है? प्लस. सो आंसर विल बी प्लस 1.
और प्लस हम लिखते नहीं है इसलिए हम 1 लिखेंगे, राइट। लास्ट इज -3 -2, दोनों नंबर्स आर नेगेटिव इंटीजर्स, देन व्हाट विल हैपन, माइनस माइनस इज ऑलवेज प्लस, मींस इस क्वेश्चन में ऑपरेशन हमें क्या करना है, प्लस करना है, 3 और 2 को हमें प्लस करना है, सो विल प्लस 3 एंड 2 तो कितना आ जाएगा 5, बट साइन कैसे डिसाइड होगा, माइनस माइनस करते हम प्लस हैं बट साइन हम हमेशा माइनस लिखते हैं, राइट, सो आंसर विल बी -5।